नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं योनो रिवार्ड पॉइंट से मोबाइल या डीटीएच फ्री में किस प्रकार रिचार्ज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, फ्री में किस प्रकार रिचार्ज कर सकते हैं, आज का वीडियो इसी विषय पे है। तो चलते हैं योनो एप्लीकेशन में और यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड भरकर लॉगिन पे टच करते हैं। ये देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे टच करते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा और यहाँ अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट पे टच करते हैं। फिर देखिए ऊपर सबसे ऊपर दिखा, इसको थोड़ा राइट स्लाइड करते हैं, वहाँ लिखा है माई रिवार्ड, माई रिवार्ड पे टच करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके पास रिवार्ड रहेगा वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 रिवार्ड पॉइंट का 25 रुपये मिलता है, यानी आपके पास अगर 1000 रिवार्ड पॉइंट है तो आपको 250 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिडीम नाउ का ऑप्शन दे रहा है, तो रिडीम नाउ पे टच करते हैं। फिर आई एग्री दे रहा है, आई एग्री पे टच करते हैं। आई एग्री पे टच करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। अभी देखिए दोस्तों ये ओपन हो रहा है, तो इसको ओपन हम होने देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम जी और आप देख रहे हैं हम सब साथ हैं यूट्यूब चैनल। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर देखिए यहाँ 3 लाइन बना हुआ है, इस पर टच करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर रिचार्ज लिखा हुआ है, रिचार्ज पर टच करते हैं। उसके बाद ऑप्शन आएगा दोस्तों मोबाइल रिचार्ज का और डीटीएच रिचार्ज का, तो दोनों रिचार्ज कर सकते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज पे टच करते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही है, आपके थोड़े भी काम आ रही है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर पे जियो या एयरटेल जो भी आपका सिम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्कल है, सर्कल में जहाँ की आपकी सिम है, यूपी की है, महाराष्ट्र की है या बंगाल की है, जहाँ की भी है वो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यू प्लान का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप व्यू प्लान के ऑप्शन पर भी टच करके प्लान को देख सकते हैं और प्लान को यहाँ से देखने के बाद उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं यहाँ से प्लान देख लेता हूं। देखने के बाद ये प्लान मुझे रिचार्ज करना है, तो इसको मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा और ये बॉक्स बना हुआ, बॉक्स पे टच कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पे टच करेंगे, फिर प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, दोबारा प्रोसीड पे टच करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर टच करेंगे। इस पर टच करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे हमको टाइप करना रहेगा। तो दोस्तों OTP का हम वेट कर लेते हैं और ये देखिए OTP आ गया है। इस OTP को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद नीचे कंफर्म का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखिए यहाँ पर OTP टाइप करने के बाद कन्फर्म पर टच करते हैं और कन्फर्म टचिंग करने के बाद देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, तो ये रिचार्ज हमारा कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से आप भी फ्री में मोबाइल या DTH रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।